बनाने लिए वीडियो में देखने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेसन की ये मिठाई, जिसे आप अपने घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे सिर्फ बेसन और यहाँ पर देसी घी से बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं यहाँ से 4 चमचे ले लूंगी बेसन के। तो बेसन को मैंने यहाँ से छान लिया है, आपको बेसन को छान लेना है। तो यहाँ से बेसन मैंने 4 चमचे के करीब ले लिया है। आप अगर कटोरी से नाप लेंगे तो यहाँ पर ये 2 कटोरी बेसन है। बेसन को ले लिया है, हम यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। ज्यादा घी इसके अंदर ऐड नहीं करना आपको। तो मैं इसे सिर्फ 4 चम्मच घी से बनाकर तैयार करूंगी। फ्रेंड्स, घी आपको यहाँ पर देसी लेना है। अगर आप रिफाइंड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर इसे देसी घी से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से हम बेसन को भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, तो देख सकते हैं आप हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो घी को गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। जो सा तरीका आपको पसंद आए उनसे से आप इसे ऐड कर लेना इसके अंदर। और देखिए, यहाँ से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हमारा बेसन यहाँ पर गर्म है तो ये बहुत ही जल्दी से इसके अंदर देखिए यहाँ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए यहाँ पर भून चुके हैं, ऐड कर देंगे यहाँ पर मखाने। तो मैंने यहाँ से मखाने को पीस लिया था, आप इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेना। तो देखिए, मैंने इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ से आप इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। मैं यहाँ पर 2 ही चीज इसके अंदर ऐड करूंगी, सूखा हुआ नारियल और यहाँ पर इस बरूदे को। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आपको इसे थोड़ा सा और भून लेना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से इसे हमें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो यहाँ से अच्छे से इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कढ़ाई को गैस से नीचे उतारते हैं, गैस को कर देंगे बंद। और कढ़ाई में मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इसे यहाँ से चलाना है। इस तरीके से देखिए, जिसे आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसे सभी को इस तरीके से देखिए इसे चलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद में इसे एक बड़े से बर्तन में हमें ठंडा कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ से ठंडा करके अभी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आपको देखिए यहाँ से दिखा दूं, आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यहाँ से अच्छे से भून लेना है। कढ़ाई गर्म है हमारी, तो अब मैंने यहाँ पर ले ली एक बड़ी सी परात, उसके अंदर इसको निकालेंगे। यहाँ पर जो इसका बैटर सा हमने बना लिया, इस बैटर को निकाल देंगे बेसन को। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको निकालने के बाद में इसे अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो आप इसे देखिए यहाँ से इस तरीके से फैलाना और ठंडा हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ से ठंडा होने के लिए देखिए इस तरीके से फैला लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है, पंखे के नीचे रखा था तो ठंडा हो चुका है। आपको हल्का निवाया से रखना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ऐड कर दूंगी सूखा हुआ नारियल। थोड़े से नारियल हम यहाँ से बचा लेंगे, तो हम इसे बाद में ऐड करेंगे यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी नारियल को यहाँ से। तो नारियल अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, देखिए आपको मिक्स कर लेना है यहाँ पर। तो देखिये, मैंने नारियल को मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बूरा। तो देखिए, बूरा आप यहाँ पर चीनी की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बाजार वाली बूरा ली है। तो बूरा को आपको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। बूरा आपको बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स करनी है, तो आपकी जो ये मिठाई है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, इसे आपको इस तरीके से जो भी इसमें लम्स है उन्हें अच्छे से आपको यहाँ से तोड़ देना है। तो मैं इस तरीके से इसे मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। जो बाकी की बूरा बचाई थी उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इस बूरा को भी हमें यहाँ से अच्छे से मिला लेना है। आपको एकदम से सभी बूरा को नहीं डालना है। तो यहाँ से मैंने 500 ग्राम बूरा को इसके अंदर ऐड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से चम्मच को हटा देंगे। अब मैं इसे हाथ से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करूंगी। तो यहाँ से हाथ से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप हथेली से करेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए, इसे इस तरीके से हाथ से मिक्स करना और सभी चीज अच्छे से यहाँ से देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो आपको हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि इसकी जो लम्स है वो बिल्कुल खत्म करनी है आपको। और इसमें क्या होगा, हल्का सा यहाँ से देखिए, अगर आप इस तरीके से दबाएंगे तो ये जो मिठाई है हमारी बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे बना पाएंगे। मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको इसे बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, ना ही इसे आपको कढ़ाई के अंदर डालना है। तो बिना कढ़ाई के अंदर डाले अब आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रे ले लूंगी, जो मिठाई जमाने वाली ट्रे होती है उसको आपको ले लेना है। अगर ट्रे नहीं है
तो आप इसकी जगह कोई थाल या थाली भी ले सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, इसमें हल्का सा यहाँ से घी को इस तरीके से लगा दूंगी। इससे क्या होगा, घी को लगाने से आपकी जो मिठाई है वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने घी को इसके अंदर अच्छे से लगा दिया है। अब जो हमारा यहाँ पर देखिए और बूरा को हमने यहाँ से मिक्स किया था, उसे यहाँ से इसके अंदर ट्रे के अंदर निकाल देना है और इसे हाथ से अच्छे से दबा देना है। जितना आप अच्छे से इसे दबाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो आप देखिए इस तरीके से मैं दबा रही हूँ, इसी तरीके से आपको इसे दबा लेना है। आपको इसे कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है बाद में बूरा डालने के बाद में। तो यहाँ से देखिए मैंने इसके ऊपर सूखा हुआ नारियल लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी की मदद से इसे अच्छे से यहाँ से सेट कर लेंगे। तो आप देखिए इसे कटोरी से इस तरीके से सेट कर लेना, जितना अच्छा आप इसे यहाँ से सेट करेंगे उतना ही अच्छी आपकी यहाँ से मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे तुरंत के तुरंत कट करके तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी घंटों तक नहीं रखना आपको इस मिठाई को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे इस तरीके से कटोरी से इकसार कर लिया है बिल्कुल। तो अब देखिए बिल्कुल पीस काटने के लिए तैयार है हमारी यहाँ से देखिए ये मिठाई। तो अब मैं इसके यहाँ से पीस कट करूंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीस इसके कट कर लेने, मैं यहाँ से छोटे छोटे पीस कट करूंगी इसकी। आपको अगर बड़े पीस कट करने हैं तो आप यहाँ पर बड़े पीस भी कट कर सकते हैं, बड़े ना ज्यादा छोटे। मैं बिल्कुल मीडियम साइज में यहाँ पर पीसों को कट कर लूंगी मिठाई के को। तो इस तरीके से सभी को मैं अभी आपको दिखाती हूँ कट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मिठाई की खास बात यह है कि आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत निकाल सकते हैं मिठाई को और तुरंत खा सकते हैं। तो आप इसे जरूर बनाकर एक बार ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं सभी मिठाइयों को कट कर लूंगी। यहाँ से मैंने सभी को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाती हूँ पीस निकाल कर, तो मैं एक पीस नहीं निकालूंगी, यहाँ से मैं कई पीस निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने पीस आपको ही निकाल कर दिखाया, मैं आपको एक पीस नहीं दिखा रही हूँ, कई पीस आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल दानेदार हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी अपने घर पर इस मिठाई को एक बार जरूर बनाना। तो इस रक्षाबंधन पे आपको इस मिठाई को बनाना है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना किस किसने बनाई।